सबको मेरी तरफ से सलाम, शलोम, नमस्कार। मैंने सोचा कि बेहतर ये है कि एक ना ऑडियो बनाया जाए, या मैं वीडियो को भी सोच रहा था। मैंने सोचा वीडियो के लिए फिर स्पेशली ना कैमरा सेटअप करना पड़ेगा, तो ऑडियो मैंने बेहतर सोचा कि ऑडियो बन जाए। अपने हिंदी जबान में हो गया, उर्दू स्ट्रोक इंग्लिश मिक्स में बन जाए, जिससे ना बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है। और मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा था, टॉपिक था सेहत और टॉपिक बीमारियां, जो इस वक्त तकरीबन पूरी दुनिया में चल रही हैं। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है, बहुत सारी जो साइंटिफिक, जिसको आप इंफॉर्मेशन बोलते हो, पिछले 20 साल की जो टीवीज के ऊपर, पेपर्स के ऊपर, इश्तहारों के ऊपर जो आपको दिखाई जाती है, और अक्सर लोग उनसे जो है मुतासिर होके टीवी की एडवर्टाइजिंग से, इश्तहारों से वो फिर चीज़ें खरीदते हैं, और खरीद के वो चीज़ें फिर वो घर में इस्तेमाल करते हैं। अफसोस की बात ये है कि 9 times out of 10 कि वो जो इश्तहारों में जो दिखाया जाता है वो रियल लाइफ में होता नहीं है। और 20 साल की जो पिछली 20 में, बल्कि मैं कहूँगा पिछले 25 साल की जो साइंस थी, जो हमने सुनी है छोटे बच्चों से बड़े होते, जो हमने देखी है, वो साइंस तकरीबन सारी गलत निकली है। टोटली फॉल्स, इनएक्यूरेट आप कह लो, फॉल्स कह लो, या आप ये भी कह लो कि उसके पीछे जो जितनी भी रिसर्च थी वो गलत थी, यानी कि वो ठीक नहीं निकली है। अभी खुद जो है मॉडर्न जो साइंस है वो खुद कह रही है कि पिछली, हाँ, रिसर्च जो थी उसमें प्रॉब्लम्स थी, फ्लॉज थे, और जो मॉडल्स यूज़ किए गए थे वो ठीक नहीं थे। बहरहाल अभी भी वो आपको पूरी तरह सब चीज़ें नहीं बता रहे हैं, अभी भी बहुत कुछ हाइड किया जाता है लोगों से, और लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को, कि क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है। लिहाजा इसलिए ये अभी सब्जेक्ट इसलिए आया है कि बहुत सारे लोग जो हैं मुतासर हो रहे हैं बीमारियों से, ख़ास तौर पर जो है डायबिटीज़ की बीमारी हो गई, उसके बाद हार्ट डिजीज़ हो गई। सबसे नंबर 1 किलर इस वक्त जो बीमारी है, आप शायद सोचेंगे कैंसर सबसे नंबर 1 किलर है, लेकिन कैंसर नंबर 1 किलर नहीं है। सबसे नंबर 1 जो बीमारी इस वक्त लोगों को ख़त्म कर रही है, ज़िंदगी उनकी ख़त्म कर रही है, वो एक्चुअली ये बीमारी, इसकी हार्ट अटैक की, हार्ट डिजीज़ सबसे नंबर 1 किलर डिजीज़ ये है वर्ल्ड वाइड, आप कह सकते हो। और कुछ मुल्कों में ज़्यादा, कुछ मुल्कों में कम, और वो फिर आ जाता है आप खुराक किस तरह की खाते हो और किस तरह की नहीं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप दीगर बीमारियां आ जाती हैं, जैसे डायबिटीज हो गई और दूसरी जो बीमारियां चल रही हैं, कैंसर वगैरह, ये वो, और लम पर लम। बट द मेन मेन डिजीज, मेन किलर जो है इस वक्त हार्ट डिजीज है, किसी शक्ल में भी। आप उन्हें सुना होगा कि कोई बंदा सोया रात को, कोई औरत या कोई कोई मर्द रात को सोया है और सुबह वो उठा ही नहीं है, या उसको सोए सोए हार्ट अटैक हो गया, या उसको जो है चलते फिरते हार्ट अटैक हो गया, वो बेचारा जो है इंसान बचा ही नहीं है। मैंने जब मेडिकल स्टडी की थी, मेरे जो डॉक्टर थे, जो मेरे उस्ताद थे, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी बड़ी इंटरेस्टिंग। मैंने जब मेडिकल लाइन में स्टडी की है, उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी कि सबसे जो डेंजरस टाइम है हार्ट अटैक का, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि बड़ी हैरानी की बात, मैं सुन के उस वक्त बड़ा हैरान हुआ था कि ऐसी चीज़ है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि सबसे जो डेंजरस टाइम है हार्ट अटैक का, वो सुबह के 7 बजे है, द मोस्ट डेंजरस टाइम। तो मेरे उस्ताद जो थे वो पारसी थे, पर्शियन थे, बड़े अच्छे डॉक्टर, काफ़ी हाई लेवल के डॉक्टर थे इंग्लैंड में। तो उन्होंने जब ये मुझे सिखाया, तो मैंने उनसे पूछा कि 7 o'clock क्यों रीज़न है हार्ट अटैक का, वाई नॉट 10 o'clock, वाई नॉट 12 बजे, या दोपहर को 2 बजे, या शाम को 6 बजे, सुबह 7 बजे क्यों? उन्होंने फिर जिक्र किया कि इसकी वजह ये है कि सुबह जब इंसान सो के उठता है, तो जब वो सो के उठता है, उस वक्त बॉडी ने दोबारा, सारे बॉडीज के सिस्टम ने दोबारा रीस्टार्ट होना है। और जब आप सुबह उठते हो, तो जब सारा बॉडी का सिस्टम रीस्टार्ट होता है, अगर आपके जिस्म के अंदर कमजोरी है या कोई किसी चीज़ की कसरत है जो कि नहीं होनी चाहिए,
तो फिर क्या होता है कि वो सिस्टम स्टार्ट नहीं हो पाता है, सिस्टम स्टार्ट होने से पहले ही क्रैश हो जाता है और जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। ये उस तरह आप समझ सकते हो कि जैसे हम गाड़ी को, खड़ी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग पे जो गाड़ी है ज़्यादा पावर लेगी, और ज़्यादा पावर लेगी और अगर तो सारा सिस्टम ठीक है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, अगर कहीं फॉल्ट है तो या तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी तो या वो जो है ना प्रॉब्लम देगी। इस तरह आप समझ लें। अभी हमारी जो बेसिक जो इंडियन पाकिस्तानी या बरसगीर की जो कुकिंग है, हमारी बेसिक कुकिंग में जो है जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं स्पाइसेस मसालों के अलावा, वो है तेल। कौन सा तेल हम इस्तेमाल करते हैं? मैं अभी आपको मज़ेदारी की एक बात बताता हूँ, मज़ेदारी की बात है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और आप इसको आप सुन के हैरान भी होगी, और ये आपको एक यानी कि एक इंफॉर्मेशनल बात है। ये मैं एक वीडियो देख रहा था एक चैनल के ऊपर, और वो वीडियो दिखा रहे थे कुछ जो कि कामयाब पाकिस्तान के कुछ लोग हैं, बिजनेसमैन जो हैं, और मैं अभी नाम ही उनका लेना चाहता, अच्छे इंसान हैं जो भी हैं वो, लेकिन वो दिखा रहे थे कि वो ना अपने नाश्ते में और अपने दोपहर के खाने में देसी मुर्गी खाते हैं, और वो देसी मुर्गी मंगवाते हैं मियाँ वाली से, और लाजमी बात है कि उनका जो कुकिंग का तरीका है या जो भी है वो अपने लिहाज से उसको पकवाते हैं और फिर खाते हैं अपने उधर फैमिली में बैठ के या दोस्तों में बैठ के। तो अच्छा लगा कि अच्छी बात है कि वो देसी मुर्गी खाते हैं और खा सकते हैं, अल्लाह उनको तौफीक करे और उनके नसीब में और भी ज़्यादा देसी मुर्गियाँ करे, कोई टेंशन नहीं है। यानी कि ये जो शख्स है, ये शख्स को अपनी सेहत का ख्याल है, उसमें से देखने से ये पता चलता है कि शेख्स को अपनी सेहत का ख्याल है, और ख़ास तौर पे अपने गांव से वो देसी मुर्गी मंगाते हैं। और देसी मुर्गी आप जानते हैं कि जिसको हम ऑर्गेनिक या रोमिंग चिकन बोलते हैं अंग्रेजी में, तो उनमें ये होता है कि उनके अंडे भी अच्छे होते हैं, उसके बाद उनकी जो परवरिश है वो जो है ना 4 हफ्तों में नहीं होती है, फास्ट तरीके से, और वो सेहत के लिए अच्छी होती हैं जनरली स्पीकिंग। इसलिए वो मुझे अच्छा लगा कि हाँ ये अच्छी बात है। और लेकिन मसला ये है कि हर बंदा जो है पाकिस्तान में जो है, हर बंदा देसी मुर्गी नहीं अफोर्ड कर सकता है। जब मैं वहाँ पे पाकिस्तान में था, तो जब मैंने एक दफ़ा मैं गया देसी मुर्गी लेने, ये कबल अज पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से पहले की बात है, मे बी 4 महीने पहले की बात है, 3 to 4 months अगो, कि वहाँ पे देसी मुर्गी का गोश्त उस वक्त 900 रुपये किलो का मिल रहा था, 900 रुपीज़ किलो। तो 900 रुपये किलो का गोश्त हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाएगा उधर। अभी मुमकिन है कि अभी 900 से हो सकता है कि 1100-1200 रुपये पे चला गया हो, क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे पता चला था कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने के बाद छोटा गोश्त जो 1800 रुपये का हो गया, और जो गाय का गोश्त है वो तकरीबन यानी 700 रुपीज़ आप लगा लो, और मुर्गी का गोश्त मैंने सुना था कि चूज़े का जो गोश्त है वो चूज़े का तकरीबन 500 के करीब जा रहा है। बेसिकली महंगाई जो है ना जो आपके सामने है वो जो चल रही है, ऑब्वियसली ये खाली पाकिस्तान का फिनोमिना नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड ये चीज़ें चल रही हैं, पूरी दुनिया में महंगाई चल रही है इंक्लूडिंग अमेरिका। अभी मसला आ गया कि चलो देसी, हम देसी मुर्गी ले लेते हैं। मैं भी आपको एक बड़ी मज़ेदार की बात बताऊंगा देसी मुर्गी की। आप देसी मुर्गी ले लो, आप उसको घी में पकाओ, ठीक है, घी में पका के खाओ, इफेक्ट क्या होगा? मुर्गी की तो अच्छी है वो, तो आपने अच्छी सोर्स से ली मुर्गी, यानी कि आपने ऑर्गेनिक या रोमिंग चिकन जिसको हम बोलते हैं, आपने रोमिंग चिकन ली, यानी कि वो केज बर्ड नहीं है कि उसको मतलब के फास्ट तरीके से नहीं उसको पाला गया, उसको खुराक दे के 3 हफ्ते में बड़ा नहीं किया गया टेक्निकली। लेकिन मसला पता है कहाँ पे आएगा, आप देसी मुर्गी को अगर आप तेल में पकाओगे या डालडा में पकाओगे तो आप फिर भी बीमारी आपको लगेगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो डालडा है, तेल, किसी किस्म का भी तेल, एनीथिंग, एनी लिक्विड ऑयल, उसमें जो है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि हर तेल के साथ बर्निंग पॉइंट होता है, तो बर्निंग पॉइंट जो होता है वो हमें बताता है कि तेल का जो है हीट पॉइंट क्या है, यानी कि किस पॉइंट पे जाके तेल जो है ना उसके जो वो जो नेगेटिव असरात नज़र आते हैं, जिसको हम ट्रांस फैट्स भी बोलते हैं, कि ट्रांस फैट्स जो है ना वो ट्रांसफॉर्म में हो जाते हैं तेल से, और ट्रांस फैट से
पॉलियन सैचुरेट्स जो होते हैं और ट्रांस फैट्स, ये जो खास तौर पर ट्रांस फैट जब ट्रांसफॉर्म होते हैं तो ये ट्रांस फैट्स कैसे आपके जिस्म को नुकसान देते हैं। तो ये तकरीबन सारे जो तेल है ना सारे, ये ट्रांस फैट्स में एक सर्टन हीट के ऊपर जाकर ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी अपने हीट पॉइंट पर जब पहुंचते हैं उस वक्त ये जाके ना ट्रांस फैट में तब्दील होते हैं और फिर ये जिस्म को सख्त नुकसान देते हैं। चाहे आप देसी मुर्गी पकाओ, चाहे आप वलैदी पकाओ, चाहे आप जो मर्जी मुर्गी बनाओ, दे बिकम हैजर्डस टू योर हेल्थ। यानी आप 900 रुपये की या 1,000 रुपये की किलो मुर्गी लेकर डालोगे तो वो 1,000 रुपये की मुर्गी अगर आपका तेल ठीक नहीं है तो वो फिर भी आपके लिए किलर है, बहुत मस्त, यानी कि बहुत ही मज़र है आपके लिए। तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि ये जो सैचुरेटेड फैट्स होती हैं ये फिर जब बन जाती हैं ट्रांस फैट्स, ये बड़े नुकसान देती हैं। तो डिफरेंट जो तेल होते हैं उनके डिफरेंट हीट पॉइंट या स्मोक पॉइंट होते हैं। तो आप लगा लोगे तकरीबन 250 से लेके 400 तक जो है ना फ़ारेनहाइट तक, या 500 तक आप कर लो, 250 से 500 फ़ारेनहाइट उनके स्मोक पॉइंट्स आते हैं डिफरेंट ऑयल्स के। तो होता ये है कि जैसे हम अपनी कुकिंग करते हैं देसी स्टाइल की, तो उसमें ऑब्वियसली आप खाने को जो है हांडी को आप पकाते हो हीट के ऊपर रख के 30 मिनट के लिए, 40 मिनट के लिए या घंटे के लिए, तो वो ऐसा ऐसा उसमें काफ़ी सारी जो है ना हीट पैदा होती है, समटाइम्स आउट से ओवर 400 हीट चली जाती है। तो जो ऑयल जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन होकर जो ट्रांस फैट का जो जो ट्रांस फैट्स निकलती हैं उस ऑयल में से, वो फिर आपके लिए किलर यानी कि बीमारी की शक्ल अख्तियार करती हैं। ये हमारी जो पाकिस्तान की जो अवाम है, बरसगीर की जो अवाम है, वो इस शाउर से जो है ना गाफिल है, उनको नहीं पता है इन चीज़ों का। तो क्योंकि टीवी के ऊपर ना ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, ना ही मीडिया में प्रमोट की जाती हैं, और ना ही लोगों को पता है। तो लोग समझते हैं कि हम कोई भी तेल ले लें बाजार से, घी ले लें, सूफी का घी कर लो, दूसरे घी कर लो, डालडा का कर लो, आप सनफ्लावर ऑयल ले लो, या जितने भी दूसरे ऑयल्स चलते हैं मार्केट में। तो नंबर 1, बाजार से तो आप चीज़ खाओगे तो 100% सस्ते से सस्ता तेल इस्तेमाल करेंगे, और जितना मर्जी बेहतरीन वो खाना पकाएं, बट दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। आप अपनी सेहत के लिए सबसे बुरी अगर काम करोगे ना, सबसे बुरा काम, तो आप बाहर से खाना खाओगे, सबसे बुरा काम आप ये करोगे। इट्स क्रिमिनल, इफ यू आस्क मी, इट्स क्रिमिनल टू डू दैट। लेकिन बहरहाल उस क्रिमिनल एक्टिविटी में हम सब जो है ना गिल्टी हैं, क्योंकि किसी ना किसी वक्त हम सब ने बाहर खाना खाया है। तो अब बाहर खाना खाएंगे, बाहर से जो वो चिकड़ चने जो होते हैं, वो चिकड़ छोले जो उसको बोलते हैं, वो लोग बड़े पसंद करते हैं पाकिस्तान में, सुबह लेके आते हैं नाश्ते के लिए, या पाए वगैरह हो गया, या दूसरी चीज़ें जो दीगर मिलती हैं नाश्ते में, उसमें मैं भी गिल्टी हूँ कि मैंने भी उधर पाकिस्तान में एक दो दफ़ा मैंने बाज़ार से लेके खाया है। मकसद इसलिए मैंने कहा कि हम सब गिल्टी हैं, लेकिन मैंने अपनी हैबिट नहीं बनाई बाहर के खाने। मेरी कोशिश यही की है कि बाहर से खाने ना ही खाए जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि मुझे पता है कि बाहर के जो ऑयल्स की ऑयल्स जो इस्तेमाल होते हैं ना वो अच्छे नहीं हैं, और स्पाइसेस भी अच्छी नहीं हैं, बोथ ऑफ दोज थिंग्स आर आउट। सो इसलिए मैं अपने खाने में बहुत पर्टिकुलर हूँ कि मैं घर में कौन सा खाना पकता है और किस तेल में पकता है, मैं इसमें बहुत पर्टिकुलर हूँ, और बड़ी सख्ती के साथ मेरे मेरे जो ना ऑर्डर्स चलते हैं मेरे घर के अंदर कि कौन सी चीज़ मेरे घर में आएगी और कौन सी नहीं आएगी। और यही चीज़ आपके घरों में होनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं है तो फिर आप अपनी सेहत के साथ जो है ना आप फिर जुल्म कर रहे हैं अपने आप के साथ और अपने बच्चों के साथ और अपनी बीवी के साथ भी, क्योंकि आप गलत चीज़ें खा रहे हो और आप जो है ना विदाउट नॉलेज ना जानते हुए आप जो ना एक गलत चीज़ की तरफ आप जा रहे हो। अब इसका हल कैसे किया जाए, मैं अभी आपको बताता हूँ कि आप कैसे हल कर सकती हो, क्योंकि मसलियत अभी ये आ जाती है कि हमारे घरानों में जो है बजट की बड़ी मसलियत है, बजट जो है टाइट है, टाइट बजट में आप कैसे अब अच्छा खाना खा सकते हो। अभी लोग सोचेंगे कि यार अगर मैं फ्रूट खाऊं, अगर डॉक्टर मुझे कहता है फ्रूट खाओ, तो मेरे पास पैसे नहीं है फ्रूट खाने के, मैं अभी 400 रुपये का जो है किलो अनार कैसे लेके आऊं, या मैं 500 रुपये का चेरीज कैसे लेके आऊं अच्छा खाने के लिए, या मैं पपीता ने मैंने लेना है तो वो 400-500 का आएगा, वो कैसे लूँ। यानी ये बड़े सवाल हैं, ये मसलियत है। और उसके बाद माल्टे का जूस हो गया, और दूसरी आपने अफवाह या मिथोलॉजी या जिसको अफसाना,
आपने अफसाना सुना होगा कि एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, यानी एक रोज का जो सेब बंदा खाता है उसको डॉक्टर नहीं डॉक्टर को नहीं देखना पड़ता। ये सबसे बड़े अफसाना यही है, मिथ मिथ इसको मैं बोलता हूँ। शायद आपको नहीं पता कि मैं बचपन से जो है ना, बचपन से किसी वजह से मुझे सेब से बिल्कुल जो है ना, सेब से नफरत तो मैं नहीं यूज करूंगा लफ्ज, नफरत थोड़ा स्ट्रांग लफ्ज है, लेकिन मुझे सेब खाना पसंद ही नहीं है। आई डोंट रियली केयर अबाउट इट मच। और मुझे मुझे इतना याद है कि जब मैं इंग्लैंड में रहता था तो मैं सेब नहीं खाता था, मैं लाता ही नहीं था सेब अपने घर में। और ये उधर भी बड़ी ये मसाल थी कि एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। जब मुझे बताते थे ना वो मेरे फ्रेंड जो थे, मैं कहता था आप पागल हो सारे, यू आर क्रेजी, आप लोगों को पता भी नहीं है कि सेब में होता क्या है। तो एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं ना आज उस बात को, तो आप सुन के हंसोगे कि एप्पल अ डे वो आपके लिए किलर है, बेनिफिशियल नहीं है। और मेरी फिलोसफी ठीक थी बिल्कुल बचपन से लेकर आज तक कि एप्पल नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एप्पल के अंदर आज आर्टिफिशियली एप्पल जो है आजकल जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड तकरीबन, उसमें ना आर्टिफिशियली हॉर्मोन्स डाले जाते हैं, केमिकल्स डाले जाते हैं, फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, और उसके अंदर पॉइजन भी आ जाते हैं। उसके बाद हाइब्रिड एप्पल्स यानी कि ऑर्गेनिक एप्पल्स नहीं है, जीएमओ वाले हैं, मॉडिफाइड। जितने भी फ्रूट्स हैं, पाकिस्तान क्या, इंग्लैंड क्या, अमेरिका क्या, जो मर्जी मुल्क हो, डजेंट मैटर, ज़्यादातर जो फ्रूट्स आ रहे हैं इन ममालिक में, उसमें फ्रुक्टोज का कॉन्टेंट बहुत हाई होता है। अगर आप एप्पल खाते हो उसमें फ्रुक्टोज का कंटेंट बहुत हाई होगा, माल्टा खाते हो उसमें फ्रुक्टोज का कंटेंट बहुत हाई होगा। पाकिस्तान में तो आम आपको 50 रुपए का ग्लास मिल जाता है आम तौर पे, लेकिन फ्रुक्टोज कंटेंट हाई है। उससे क्या होगा कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपकी बॉडी हैंडल नहीं कर सकेगी फ्रुक्टोज कंटेंट को। अगर आप फ्रुक्टोज कंटेंट डेली उतना यूज करोगे, डेली पियोगे, यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर एंड ऑफ योर लाइफ क्विकली। आप यानी कि अपने आप को खत्म करने की तरफ जा रहे हो, बचाने की तरफ नहीं। ये सुन के शॉक आप हो गए कि ये कैसे हो सकता है। बरहाल मैंने आपको अभी अभी ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ी सी बातें बताई हैं, तो 17 मिनट निकल गए हैं और अभी मेरा मेन पॉइंट नहीं आया। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगर इस चीज के अंदर डीपली गया ना, तो इधर तो मुझे 6 घंटे बैठ के समझाना पड़ेगा, फिर बहुत लंबा हो जाएगा। इज नॉट आई कॉन्ट डू दैट, पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको सारी चीज़ें एक ही लेक्चर में समझा सकूँ। लेकिन इतना समझाना ज़रूरी है कि आप कोशिश ये करो कि आप जो है ना जितने तेल हैं वो अवॉइड करो, और आप कोशिश ये करो या तो आप देसी घी में पकाते हो अपना खाना, वेल एंड गुड अगर आप देसी घी में पकाते हो। अगर देसी घी आपको नहीं पसंद है कि वो स्ट्रांग होता है या उसकी आपको स्मेल नहीं पसंद है, तो फिर आप कोशिश ये करो कि आपके पास दो तीन और चॉइसेस हैं। एक चॉइस ये है कि जो पठान इस्तेमाल करते हैं इधर पाकिस्तान में, पेशावर में, केपीके में, कि वो जो है ना गाय का लेते हैं, गाय की चर्बी, और वो अपनी कुकिंग जो है ना गाय की चर्बी में करते हैं, और बेहतरीन जो है ना फैट गाय की चर्बी है, बेहतरीन फैट है, और वो आप जो है ना वो आप अपनी कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन वो कन्वीनियंट नहीं है, कन्वीनियंट से मराद के हर बंदे के लिए वो अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में तो चलो आमतौर पर आपको फैट मिल जाएगी, आप अपने कसाई के पास जाओगे, उसे बोलोगे यार मुझे फैट दे दो, जो चर्बी है वो मुझे दे दो, आप घर जाकर उसको पकाओगे, उसमें से आप तेल निकाल लोगे। या अगर आप दूध खरीदते हो तो आप दूध में से जो आप ना मक्खन बना लोगे या देसी घी बना लोगे। ये चॉइसेस आपके पास पाकिस्तान में हैं, लेकिन बाहर हमारे पास ये चॉइसेस नहीं है, बाहर नहीं हम कर सकते इस तरह के काम। लेकिन बाहर जो है हमें, हमारे पास चॉइस ये है कि हमें एक बड़ा अच्छा एक मिलता है, फैट मिलती है, फैट उसको इधर दो तरह की फैट मिलती है, एक मिलती है लार्ड। लार्ड जो होती है फैट वो बनती है इससे पिग से, लेकिन पिग हमें हराम है तो हम पिग खा नहीं सकते, इसलिए हम वो नहीं लेते। हम लेते हैं फिर दूसरी वाली फैट जो मिलती है, वो मिलती है गाय की, उसको बोलते हैं टैलो इंग्लिश में। तो टैलो जो फैट है वो प्योरली गाय से बनी है, और हमें फायदा ये है यहाँ पे कि इधर मिलावट नहीं है, और हमें ना ग्रास फैट यानी कि जो गाय भैंसे इनकी ग्रास के ऊपर यानी कि नेचुरल तरीके से जो बड़ी की गई हैं, जिनको इंजेक्शन नहीं लगे हैं, तो ऑर्गेनिकली जिनको बड़ा किया गया, वो उनकी वो बना के बेचते हैं। थोड़ा सा महंगा जरूर आता है, बट दैट इज बेहतरीन किस्म का जो है ना वो कुकिंग फैट है, बेहतरीन किस्म की, और वो हमें यहाँ पे दस्तियाब है। तो पाकिस्तान में ये है कि आपको अपने कसाई के पास जाना पड़ेगा, उससे बोलना पड़ेगा, तो आप उससे तैयार कर सकती हो और उसमें आप कुकिंग करोगे अपनी। अभी ये होगी वन टाइप ऑफ कुकिंग। सेकेंड आप ये करोगे कि सेकेंड जो कुकिंग आप कर सकते हो, आप अपने कुकिंग में यूज करोगे कोकोनट ऑयल, घी का तेल।
बेहतरीन है। अगर आप गिरी का तेल आपको नहीं पसंद है किसी वजह से, उसमें स्वीटनेस ज़्यादा है या स्मेल की प्रॉब्लम है कोई, तो फिर आप अपनी कुकिंग जो है ना, आप अपनी कुकिंग करो इसमें बटर में, बेहतरीन कुकिंग आपकी होगी बटर में। थोड़ा सा महंगा ज़रूर आएगा लेकिन आपकी सेहत बेहतरीन होगी बटर के साथ। बटर, कोकोनट ऑयल, और उसके बाद देसी घी हो गया, या आप अगर चर्बी ले सकती हो गाय की तो चर्बी से आप तेल निकाल सकती हो। फ्रेश जो निकलता है उसको आप निकाल के बोतल भर लो, और बोतल भर के वो आप तेल यूज़ करो। उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए आप उसको गिरी में मिक्स कर लो। गिरी गिरी उसमें आप दो तीन काटो, उसको हीट अप करो गिरी में, गिरी उसकी स्मेल खींच लेगी। उसके बाद उसको आप जो है ना छान लो, छान के आप बोतल में ठंडा करके रख लो। ठीक है, कोशिश ये करनी है कि बोतल प्लास्टिक की ना हो। ठीक है, बोतल जो है ना आपकी मस्ट बी, बोतल आपकी डार्क हो, या तो ब्राउन कलर की हो, या तो ब्लू कलर की हो, या नॉर्मल शीशे की हो, लेकिन धूप में नहीं रखनी है, यानी कि एक छांव वाली जगह पे रखनी है, ठंडी जगह पे। तो अगर आप फ्रिज में रखते हो तो सिर्फ आपका डिसएडवांटेज ये होगा कि वो जो उसमें जो जो फैट होगी, घी जो होगा पकाने वाला, वो मतलब कि वो बैठ जाएगा, पक्का हो जाएगा, और वो फिर बोतल से निकलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर दूसरा बर्तन होगा, अगर आपके पास दूसरा बर्तन है जिस चौड़ा बर्तन है, तो फिर आप उसको चमचे से निकाल सकते हो। दैट इज़ द बेस्ट फैट यू कैन ईट। ठीक है, अभी इसमें वजूहत क्या है? मैं अभी जो है ना 21 मिनट्स का मेरा लेक्चर हो गया, मेरे ख्याल में अभी मैं इसको यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अभी बकाया जो मेरा लेक्चर है ना, वो फिर मैं नेक्स्ट अपनी सीरीज में कंटिन्यू करूँगा हेल्थ के ऊपर। ये समझ लें पार्ट वन है हेल्थ के ऊपर। थैंक यू सुनने के लिए, और खुदावंद आप सबको बरकत दे, अपनी हिफाजत में रखे, और मेरी तरफ से आपको जो है सलाम हो, शलाम हो, और नमस्कार हो।